यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस बीच बड़ी खबर पंचकुला से है, जहां पर डेरा सच्चा सौदा मामले में FIR 345 पर आज सुनवाई हुई। ये बड़ी खबर पंचकुला से, डेरा सच्चा सौदा मामले में FIR 345 में सुनवाई हुई और साथ ही हनीप्रीत समेत सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इसके साथ ही चार्ज फ्रेम पर आज कोई बहस नहीं हो पाई है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस की ओर से बचाव पक्ष के वकील को कोई सीडी की कॉपी नहीं दी गई। मामले में सात और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 15 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पंचकुला से, जहां डेरा सच्चा सौदा मामले में FIR 345 में सुनवाई हुई। ज्यादा जानकारी लेंगे शशि अरोड़ा, हमारी संवाददाता पंचकुला से फोनलाइन पर जुड़ गई है। शशि, क्या कुछ रहा आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान? बिल्कुल अवंतिका, इस तरीके से आज धारा 345 के तहत जो है मामले की सुनवाई थी, डेरा सच्चा सौदा मामले की, और कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। हनीप्रीत समेत जो तमाम आरोपी थे, 25 आरोपी थे, सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए हैं। लेकिन आज जो है बहस होनी थी चार्जेस को लेकर, जो चार्जेस फ्रेम होने थे उन पर बहस नहीं हो पाई। सात और अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनको आज पेश किया गया है, और उनका जो है सप्लीमेंट्री चालान भी पेश किया गया, जो सात नए आरोपी पकड़े गए। अब आरोपियों से कुल मिलाकर जो है 32 हो गई है, और मामले की सुनवाई जो है अगली 15 मई रखी गई है। जी शशि, 15 मई को सुनवाई होगी, तो उसमें क्या कुछ रहेगा, क्या चार्ज फ्रेम होंगे? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से आज चार्जेस फ्रेम होने थे, लेकिन कुछ आरोपी और पकड़े गए, जिस तरीके से सात आरोपी पकड़े गए हैं, 25 पहले से पकड़े जा चुके हैं, तो इस कारण से आज चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगली डेट को जो है इसमें चार्जेस फ्रेम हो। जी शशि, क्या इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं, आज भी सात आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए, क्या और भी गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से 25 अगस्त को पंचकुला में जिस तरीके से कहर बरपा था, 40 लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिस दिन बाबा को दोषी करार दिया गया था, उसके बाद जो है कई लोगों पर, 100 से ज्यादा लोग हैं जिनके ऊपर जो है मामले दर्ज हुए थे, FIR दर्ज हुई थी, लेकिन अभी सिर्फ जो है पहले 25 पकड़े गए थे, अब सात और पकड़े गए, जिसकी जो संख्या बढ़कर अभी 32 हो गई है। जो मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, इसके अलावा बहुत से ऐसे आरोपी हैं जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिनको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि अरोड़ा तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज चार्जेस फ्रेम होने थे, लेकिन चार्ज फ्रेम नहीं हो पाए हैं, और साथ ही सात और आरोपी जो हैं इस मामले में पकड़े गए हैं, जिसके बाद में अब चार्जेस जो हैं वो आज फ्रेम नहीं हो पाए, और अगली सुनवाई 15 मई को होगी, जिसमें चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे।